हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे बेसन के लड्डू किस तरह और कैसे बनाए जाते हैं, जो बहुत ही इजी तरीके से बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार बनकर तैयार हो जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं सूजी और बेसन के लड्डू, जो आपको बहुत पसंद आएंगे और आप सर्दियों में इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो देखिए, मैंने एक खाली इस प्रकार का एक बाउल ले लिया है ताकि हमें सूजी का आटा गूंथने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, मैंने ये छोटे कटोरी एक सूजी ली हुई है, इसी में मैं हाफ कटोरी और डाल लेती हूँ और इतना ही मैं बेसन लूँगी। बेसन की भी हमें क्वांटिटी इतनी ही करनी है। ये एक कटोरी और ये दो कटोरी बेसन मैंने इसमें डाल लिया है और अब हम इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, सूजी और बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप अपना ये मिक्सचर ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने ये 250 ग्राम लिया हुआ है। आप अगर अपने लड्डू ज़्यादा बनाना चाहो तो इसे इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा। तो अब इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मोइन में हम इसमें डाल रहे हैं एक कटोरी घी। देसी घी यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये देखिए, मैंने वही कटोरी लेकर इसमें मैं मोइन डाल रही हूँ और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इसमें घी कितना डालना है, ये आपको कैसे पता लगेगा, तो वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी कि आपको किस तरह और कैसे पता लगाना है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आज आपको बनाकर दिखा रही हूँ, इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेंगे। तो देखिए, अभी हमारी कटोरी में थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि अभी यह परफेक्ट तरीके से अच्छे से इसमें मोइन मिला नहीं है। ऐसे ही मसल के मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। इस तरीके से जब हम लड्डू बनाते हैं तो हमारे लड्डू काफ़ी दानेदार तो बनते ही हैं, साथ में इतने टेस्टी बनते हैं कि इसे आप बार बार बनाकर खाओगी। और जो आप हलवाई की दुकान से लड्डू लेकर आते हो उन्हें लाना हमेशा के लिए भूल जाओगे। आप घर पर ही इन्हें बनाकर इसी तरीके से खाओगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मोइन हो चुका है। उसकी यह पहचान है कि जब आप इसकी मुट्ठी बंद करेंगे तो आपका ये इस प्रकार का लड्डू सा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मोइन डल चुका है। तो आपको इसी प्रकार इसमें मोइन डालकर इसे इस कंडीशन में बना लेना है। तो देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, आपको इस कंडीशन में इसे तैयार कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, क्योंकि हमें इसका आटा गूंथना है। तो देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इसमें पहले से मोइन है और थोड़ा सा हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। जैसे आटा गूंथते हैं हमें इसी प्रकार इसे गूंथ कर रख लेना है। इसका बड़ा ही सॉफ्ट आटा आपको तैयार करना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इसमें सूजी है और सूजी हमारी काफ़ी फूलती है। अब हम इसे जैसे कि डो तैयार करते हैं आटे का रोटी बनाने के लिए, उसी प्रकार इसे इसी तरह गूंथ कर तैयार कर लेंगे। अगर ये आपका थोड़ा गीला भी अगर भीग जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सूजी हमारी फूलकर अपने आप ये 10 से 15 मिनट में 2 से 3 मिनट जब इसे आप रेस्ट के लिए रखोगे तो यह अपने आप हमारी सूजी फूलकर पानी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर आपका ये आटा परफेक्ट हो जाता है। तो देखिए, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा पानी इसलिए डाल रही हूँ। हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह रख देती हूँ और तब तक हम अपनी गैस पर घी रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कढ़ाई अपने इंडेक्स पर रख ली है। अब हम इसमें डालेंगे घी, क्योंकि हमें लड्डू घी में ही बनाने होते हैं और घी में हमारे लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनते हैं। मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी के डाल देती हूँ और जब तक हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है तब तक हम अपने
जो हमने अभी बेसन का आटा गूंथा था उसकी पिंडी बना कर रख लेते हैं। तो देखिए हमें इसकी इस प्रकार पिंडियाँ बना लेनी हैं, छोटी बड़ी जिस प्रकार की भी आप बनाना चाहो इस प्रकार की इसे बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह मैं एक एक करके सभी पिंडियाँ तैयार कर लूँगी। तो देखिए बस, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी पिंडियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, आप देख सकते हो। अब इन पिंडियों को हमें अपने घी में तलना है। तो एक तरफ हमारा घी गर्म हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम धीरे धीरे करके अपनी पिंडियों को अपने घी में डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। आपको इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। तो देखिए मैं इन्हें इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे की तरफ से जले भी नहीं। हमारा घी कढ़ाई में कम है इस कारण ये हल्की हल्की नीचे की तरफ से काफ़ी, तो आपको धीरे धीरे इसे इस तरह पका लेना है। इससे हमारा बेसन भी अच्छे तरीके से पक जाएगा और जो हमने सूजी ली है वो भी अच्छे तरीके से पक जाएगी और हमारे लड्डू काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छे बनेंगे। हम धीरे धीरे इसी तरह पलटते जाएंगे और घुमा घुमा कर इन्हें सेक लेंगे। बस आप एक बात का खास ध्यान रखें कि आपको इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाना है जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है वरना ये अंदर की तरफ से कच्ची रह जाती हैं। आप चाहो तो इनकी छोटी छोटी पपड़ी भी बनाकर डाल सकते हो, आई मीन मठियों की तरह जैसे मठियाँ सेकते हैं इस प्रकार भी बना सकते हो। आपको ये बस तलना है। मैं इन्हें सेकने के आपको दो तरीके बताऊँगी। जैसे कि अभी मैंने आपको ये इस प्रकार से मुट्ठी बना बना कर आपको सेकनी बताई हैं, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। या फिर आप इन्हें कम फ्राई करके बनाना चाहते हो तो आप इन्हें तवे पर रोटी की तरह सेक कर भी बना सकते हो, उससे भी आपके लड्डू काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छे बनेंगे। आपको इन्हें ब्राउन कलर का कर लेना है। जो गलती मैंने की वो आप मत करना। मैंने इन्हें हाई फ्लेम पर डाल दिया था इस कारण ये थोड़ी थोड़ी नीचे की तरह से लग चुकी हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही डालिए और इसी तरह घुमाते रहिएगा ताकि ये एक तरफ से ज़्यादा ना सिकें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे परफेक्ट इस तरीके से सिकने के बाद आप उतार लीजिएगा। देखिए हल्की ये ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। आपको इसी कंडीशन में इन्हें उतार देना है, आपको इन्हें ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको दूसरा तरीका कौन सा अपनाना है, तो देखिए इस तरीके से आप इनकी छोटी छोटी मठियाँ बना लीजिएगा जिससे कि अंदर की तरफ से भी अच्छे से पक जाएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्के तैयार हो जाएंगी। साथ के साथ इन्हें पलट भी दीजिएगा। आप इसे इस तरह भी सेक सकते हैं जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप इसका पराठा भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 3 से 4 इसमें मठियाँ डाल दी हैं और अब मैं इन्हें पलटती रहूँगी और अच्छे से सेक लूँगी ताकि ये नीचे की तरफ से जले भी नहीं और अच्छे से ब्राउन कलर के बनकर तैयार हो जाएं। ऑयल आपको इसी प्रकार का रखना है, आपको अपना घी ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको धीरे धीरे इन्हें पकाना है। जिस भी शेप में आप इन्हें बनाना चाहो उसी में बना सकते हो और तलने के लिए आप इसी प्रकार इन्हें तल लीजिएगा। तो देखिए मैं इसी तरह सभी को धीरे धीरे इसी तरह सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, सभी को मैं इसी तरह सेक के तैयार कर लूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने छोटी मोटी जिस तरह की भी ये तली गई उस प्रकार मैंने तल दी है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से भी तल रखा है इन्हें और इस तरीके से भी तल दिया है। आप जो भी इसकी शेप बनाकर तलना चाहो उसी प्रकार तल सकते हो। तो मैंने दोनों तरह से इन्हें तलकर इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हो मैंने इसे मिक्सी के ग्राइंड में डाल दिया है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं हो तो आप इसे चकला या बेलन की सहायता से भी ग्राइंड कर सकते हो। तो देखिए आप देख सकते हो ये ठंडा होने के बाद इस प्रकार आप इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा। और अब मैं इसी कटोरे में इसे निकाल देती हूँ और जो इनमें मोटी बच गई हैं उन्हें दोबारा से इसी में डाल लूँगी। देखिए जिस प्रकार ये थोड़ी बहुत जो ग्राइंड नहीं हुई हैं उन्हें मैं दोबारा इसमें डाल के दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी। मैंने थोड़ी मिक्सी कम चलाई इस कारण ये ग्राइंड नहीं हुई। अगर आप इसे ज़्यादा चलाओगे तो आपका लड्डू दानेदार नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बारीक पिस जाएगी। तो अब दोबारा भी मैं इसी में इसी प्रकार इन्हें डाल लूँगी जो बची हुई हैं। आपको धीरे धीरे करके सारी मट्टी और ये सारी पिंडियाँ इसी तरह ग्राइंड कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिए हुए हैं कुछ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप कोई भी ले सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मैंने इनमें लिए हुए हैं थोड़े से काजू, थोड़े बादाम और ये मैंने मगज़ के बीज लिए हुए हैं जो कि लड्डू में काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छे लगते हैं। और ये लिया हुआ है पिस्ता। तो फ्रेंड्स, ये 3 से 4 मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। आपके पास जो भी हो किशमिश, नारियल का बुरादा, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप वहीं डाल सकते हो। अब मैं इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें थोड़ा रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के लिए मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया है। पैन को रखूँगी मैं अपनी गैस पर और इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून घी डालूँगी और इसमें एक एक करके सभी ड्राई फ्रूट डालती जाऊँगी और उन्हें हल्का गर्म कर लूँगी क्योंकि इससे हमारे लड्डू में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आपको सभी एक साथ रोस्ट नहीं करने हैं ड्राई फ्रूट क्योंकि किसी की कंडीशन किसी प्रकार की रहती है और किसी की किसी प्रकार की। तो अगर एक साथ आप सभी डालेंगे तो उनमें से कुछ ड्राई फ्रूट आपके जलेंगे और कुछ ठीक रहेंगे। तो मैं आपसे यही राय दूँगी कि आप एक एक करके इनमें ड्राई फ्रूट डालिएगा और उन्हें इसी तरह थोड़ा फ्राई कर लीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे अपने बादाम। बादाम में काफ़ी फाइबर होता है और ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इन्हें अगर सर्दियों में आप खाओगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा। डेली के 3-4 बादाम ज़रूर खाइएगा। तो देखिए ये भी रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें भी मैं अपने लड्डू के उसमें डाल दूँगी। और अब फिर से मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूँगी क्योंकि जो पहले मैंने इसमें घी डाला था वो ख़त्म हो चुका है। और अब इसमें डालूँगी मगज़ के बीज और अपनी गैस को बंद कर दूँगी क्योंकि जो मैंने इसमें घी डाला था उसी से गर्म होकर हमारे मगज़ के बीज चटकने लगे हैं। और अब बस हमें इन्हें थोड़ा सा फुलाना है। तो देखिए हमारे मगज़ के बीज फूल चुके हैं, आप देख सकते हो। थोड़ी सी देर के लिए मैं गैस को फिर से ऑन कर लेती हूँ ताकि जो इसमें थोड़े बहुत जो नहीं फूले हैं वो भी फूल जाएं क्योंकि ये कम आँच में ही पक जाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हो ये अच्छे से सभी पक चुके हैं। अब मैं इन्हें भी अपने इसी पेस्ट में डाल लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। और अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया है वो है जो कि हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा होता है, तो उसके लिए भी मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। वो भी मैं अपने लड्डू में थोड़ा सा डालूंगी जिससे कि इनका स्वाद भी बढ़ेगा और काफ़ी कुरकुरापन भी आएगा। यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया। तो देखिए ये मैंने एक कटोरी गूंध लिया हुआ है, इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। आपको इसे घी में ही तलना है। गूंध का स्वाद लड्डू में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा गूंध डाल दूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारा गूंद अच्छे से फूल जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा गूंद डाला था, कितना अच्छा फूल कर कितना बढ़िया हो चुका है। अब इसे हम इसमें निकाल लेंगे। मैंने इसे क्रैप इसमें निकाल लिया है और मैं मिक्सी के जार में डालकर इसे भून थोड़ा क्रश कर लूँगी। नहीं ना क्रश कर दे। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल लिया है और इसे भी मैं अच्छे से फुला लेती हूँ। आप चाहो तो इसे वैसे भी मोमदस्ते में या फिर छोटे वाली कुंडी होती है उसमें भी क्रश कर सकते हो, क्योंकि यह भुनने के बाद बहुत जल्दी क्रश हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस प्रकार आपको इसे क्रश कर लेना है और जो बचा हुआ है वो भी मैं इसी तरह क्रश कर लेती हूँ इसी में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्सी में क्रश कर लिया है। ये मैंने गूंद जो मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। फ्रेंड्स, ये गर्म गर्म ही पिसता है, अगर ठंडा होने के बाद आप इसे पीसेंगे तो ये बिल्कुल नहीं पिसेगा। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आपको साथ के साथ गर्म गर्म ही इसे अच्छे से पीस लेना है। और जो ये पिस्ता है वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी क्रश नहीं होता है, पिस्ता नहीं है। आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप साथ के साथ इसे गर्म ही गर्म पीसकर अपने लड्डू में डाल दें। इससे आपकी हड्डियां तो मजबूत होगी ही, साथ में सर्दियों में ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा बहुत अगर आपके कमर में दर्द है या फिर आपके जोड़ों में दर्द है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों में आप गूंद का ज़रूर सेवन कीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने सारा इसी में डाल दिया है गूंद। और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो ये मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है। अगर आप चाहो तो इसमें चाशनी का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। इससे हमारे लड्डू काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ और अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेती हूँ। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या कम खाते हैं। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो बचा हुआ है वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ और इन्हें दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपके पास जो हो, आपके किचन में जो अवेलेबल हो आप वही मिलाइएगा, अगर नहीं हो तो ये सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं। आपके घर पे जो भी ड्राई फ्रूट हो वही आप इनमें डालिएगा और जो नहीं हो उन्हें रहने दीजिएगा। तो देखिए, मैं अभी इन्हें इसमें डालूंगी, मैंने घी को, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने घी को मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी घी। अभी ये गर्म है इसलिए मैं चमचे की सहायता से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए, अब मैं इसे हाथ की सहायता से मिक्स कर लूँगी और इस तरह इसके लड्डू बना लूँगी। आपको इस प्रकार इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो एक एक करके मैं सभी लड्डुओं को इसे तैयार कर लूँगी। लड्डू आप किसी भी अपने आकार के बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो। यह दिखने में जितने अच्छे दिख रहे हैं उतने खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके सभी लड्डुओं को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इनमें से एक लड्डू आपको तोड़ के दिखाती हूँ, यह कितने दानेदार और कितने बढ़िया बने हुए हैं। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह कितने दानेदार और कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, यह दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन लड्डू का अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो आप हलवाई की दुकान से लड्डू लाना हमेशा के लिए भूल जाओगे और आप घर पर ही ये लड्डू बनाकर खाओगे। यह बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।